जिम कॉलिंस, कैसे शक्तिशाली बिजनेसेस अचानक गिर जाती हैं और क्यों कुछ कंपनियां कभी प्रॉफिट नहीं देती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बड़ी कंपनियां एक मिनट में क्यों गिर जाती हैं? और कुछ समय पहले चल रही ब्रांड आपने सभी जगह देखे, बहुत समय पहले पतली हवा में गायब हो गए थे। सेल फोन निर्माता नोकिया और फोटोग्राफी कंपनी कोडक वसंत दिमाग में, बस वे सब कहां गए हैं? कैसे शक्तिशाली गिरावट बताती है कि क्यों कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर सफलता से कुचलने वाली विफलता तक जाती हैं? लेखक का तर्क है कि सफल व्यवसायों की विफलता बदलती आर्थिक जलवायु या बुरी किस्मत के कारण नहीं है, बल्कि उनके नेताओं के कारण, जो उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं और कुप्रबंधन के माध्यम से संकटों को बढ़ाते हैं। पुस्तक सफल और इतने सफल व्यवसायों पर शोध के वर्षों पर आधारित है। यह पिछले और सबसे अधिक बिकने वाले वर्क्स का अनुसरण करता है। ग्रेट लेसन्स के लिए अच्छा है और आपको दिखाता है कि किसी व्यवसाय को किस प्रकार के नेता की आवश्यकता है और किस तरह से इसे निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है। एक, हर कंपनी और संस्था, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, गिरावट की चपेट में है। मसीह के जन्म के बाद पहली कुछ शताब्दियों में रोमन साम्राज्य मध्य पूर्व में यूरोप पर हावी था। यह पश्चिम में पुर्तगाल से पूर्व में ईरान तक बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उन लोगों के बीच जो जीवित थे, तब इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह विशाल सर्वशक्तिशाली साम्राज्य हमेशा के लिए चलेगा। अफसोस, यह तो केवल कुछ शताब्दियों के भीतर ही नहीं रहा, यह इतिहास के कचरे के ढेर में चला गया। रोमन साम्राज्य के पतन से पता चलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी विशाल या सफल है, यह हमेशा ढहने का खतरा होगा। लेकिन गिरावट का क्या कारण बनता है? एक विशाल इकाई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। एक बड़े संगठन की गिरावट हमेशा आत्म प्रवृत्त होती है। पतन बाहरी कारकों या दुर्भाग्य की गलती नहीं है, यह कुप्रबंधन का सीधा परिणाम है। याद रखें कि 15 साल पहले हर किसी के पास नोकिया फोन कैसे था। वर्षों के बाद से कंपनी मार्केट लीडर होने से केवल 3% मार्केट शेयर रखने के लिए चली गई है। क्यों? जबकि एप्पल और सैमसंग जैसे उनके कॉम्पिटिटर्स स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में शोध और इन्वेंशन कर रहे थे, नोकिया के प्रबंधन ने अन्य कम लाभदायक क्षेत्रों में इन्वेंशन करने का फैसला किया। इस प्रकार जब स्मार्टफोन लोकप्रिय हो गए, तो नोकिया पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो गया। इस बिंदु पर यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि हम आलस्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सफल फर्म बहुत कम ही ढह जाती है, क्योंकि वे कार्य करने में विफल रहती हैं। आम तौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे गलत तरीके से कार्य करते हैं। वास्तव में असफल फर्म अक्सर इन्वेंशन और ऊर्जा के बहुत उच्च स्तर दिखाते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका इसका एक बड़ा उदाहरण है। 1980 के दशक में बैंक पुरानी प्रथाओं को अद्यतन करने के लिए उत्सुक था। उन्होंने एक युवा ऊर्जावान सीईओ को काम पर रखा। उन्होंने घाटे में चल रही शाखाओं के विशाल स्वैट्स को बंद कर दिया और उन्होंने जीवन के लिए लोगों को काम पर रखने की प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर भी इस अवधि के दौरान कंपनी ने बैंकिंग इतिहास में कुछ सबसे शानदार नुकसान दर्ज किए। दो, बड़ी सफलता का अनुभव करने के बाद कंपनियां अभिमानी हो जाती हैं और अहंकार के आगे झुक जाती हैं। आप ग्रीक त्रासदी से परिचित हो सकते हैं या नहीं? ग्रीक त्रासदियों में हम अक्सर नायकों को हब्रीस के शिकार होने के बाद परेशानी में पाते हैं। यही है, वे इतने अधिक आश्वस्त हैं कि वे बहुत अधिक प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। लेकिन प्राचीन यूनानी हब्रीस के लिए अपनी संवेदनशीलता में अद्वितीय नहीं है। सफल कंपनियां भी अपने आत्मविश्वास को उनसे बेहतर होने देने का जोखिम उठाती हैं। सेल फोन निर्माता मोटोरोला को ही ले लीजिए। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत के बीच मोटोरोला ने शानदार सफलता की अवधि का आनंद लिया और उनका वार्षिक राजस्व 5 बिलियन से बढ़कर 27 बिलियन हो गया। एक सफलता जिसके कारण बड़े पैमाने पर अति आत्मविश्वास और बड़ी गलतियां हुई। ऐसी ही एक गलती स्टारटेक सेल फोन का विकास था। स्टारटेक में एक समस्या थी। इसने ऐसे समय में एक एनालॉग सिस्टम का उपयोग किया जब अन्य फोन निर्माता डिजिटल होना शुरू कर रहे थे। एक पुराने उत्पाद के उत्पादन को रोकने के बजाय मोटोरोला ने अहंकार के आगे घुटने टेक दिए। इसने स्टारटेक के साथ धक्का दिया
यह दावा करते हुए कि 43 मिलियन एनालॉग ग्राहक गलत नहीं हो सकते। बेशक फोन विफल हो गया और मोटोरोला की बाजार हिस्सेदारी 50% से घटकर 1700% हो गई। अति आत्मविश्वास से एक और खतरा अभिमानी उपेक्षा है। यही है जब कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय में रुचि खो देती है। जब कंपनियां सफल हो जाती हैं, तो वे अक्सर अपने मुख्य बाजार से नए क्षेत्रों में शाखा लगाने की कोशिश करती हैं। कभी कभी उनकी इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे भूल जाते हैं कि उन्हें पहली जगह में सफलता क्या मिली। सर सिटी एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के साथ यही हुआ। बहुत सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने इस्तेमाल की गई कारों को बेचने से लेकर DVD किराए पर लेने तक अन्य बाजारों की खोज शुरू कर दी। इन क्षेत्रों में सफल होने के लिए उन्होंने बहुत समय और संसाधनों का निवेश किया, वास्तव में इतना अधिक कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। व्यवसाय के इस मुख्य क्षेत्र को खोने से कंपनी को कड़ी टक्कर मिली और यह अंततः दीवार पर चला गया। 3. कंपनियां अपना ध्यान खो सकती हैं यदि वे इन्वेंशन और विकास के निरंतर स्तरों का पीछा करते हैं। सफल कंपनियां असफल क्यों होती हैं? क्या यह आलस्य से बाहर है? वास्तव में उनमें से ज्यादातर पूर्ण विपरीत कारण से विफल हो जाते हैं। वे बहुत नवीन होने की कोशिश करते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जब कंपनियां इन्वेंशन के अस्थिर स्तरों के लिए धक्का देती हैं, तो वे अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं को बनाए रखने में विफल रहती हैं, जैसे कि लागत कम रखना या लाभदायक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना। और एक कंपनी जो मूल बातें भूल जाती है, वह कभी सफल नहीं हो सकती है। घरेलू सामान निर्माता रबरमेड इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक बार फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अमेरिका की सबसे प्रशंसित कंपनी घोषित किए जाने के बाद यह लोकप्रियता से बाहर हो गई है। रबरमेड को अपने उच्च स्तर के इन्वेंशन के लिए सराहा गया था, फिर भी कंपनी ने इसे एक चरम पर ले लिया, जिसका लक्ष्य प्रतिदिन अपनी सीमा में एक नया उत्पाद पेश करना था, एक रणनीति जिसने उन्हें केवल 3 वर्षों में लगभग 1000 नए उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह सब इन्वेंशन एक लागत पर आया था। नए उत्पादों के लिए इतनी मेहनत करने में उन्होंने अपनी लागतों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और लगातार अपने आदेशों को पूरा करने में विफल रहे। अनुशासन की कमी ने उनके इन्वेंशंस को कम कर दिया और उन्हें तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ा, जब तक कि उन्हें अंततः आगमन द्वारा नहीं लिया गया। कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ने की तलाश में भी आगे निकल सकती हैं। यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, जिनके पास बहुत सारे शेयरधारक हैं। अक्सर जितनी जल्दी हो सके मुनाफे का पीछा करने के लिए अत्यधिक दबाव में। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट से पहले बैंकों ने हर कीमत पर त्वरित मुनाफे का पीछा किया। इसने उन्हें भारी उधार लेने, जोखिम भरे लेकिन अत्यधिक लाभदायक उत्पादों में निवेश करने और लागतों को अनदेखा करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से विकास के लिए प्रयास करते समय उन्हें अल्पकालिक पुरस्कार मिले, लेकिन लंबी अवधि में उन्हें बड़े पैमाने पर जोखिम में छोड़ दिया गया। जब 2008 में सिस्टम विफल हो गया, तो उनमें से कई को बड़ा नुकसान हुआ और कुछ दिवालियां भी हो गए। 4. जैसा कि गिरावट के पहले दिखाई देने वाले संकेत होते हैं, कंपनियां इसे अनदेखा करना या दूसरों को दोष देना चुनती हैं। जब कोई हमारे नायकों की आलोचना करता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हैं, या क्या हम उनकी आलोचनाओं को अनदेखा करते हैं और मानते हैं कि हमारे नायक परिपूर्ण हैं? आम तौर पर जब कोई हमें कुछ बताता है जिसे हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम उनके विचारों को बंद कर देते हैं और उस पर अपनी गुलाब के रंग की चमक डालते हैं, चश्मा पर। कंपनियां भी इस जाल में पड़ सकती हैं और उनके मामले में वैध आलोचनाओं की अनदेखी करने से उन्हें बड़ी गलतियां हो सकती हैं। मोटोरोला के साथ यही हुआ। 1980 के दशक में कंपनी सेल फोन बाजार में एक बड़ी ताकत थी। उस समय सेल फोन बहुत महंगे थे और कुछ स्थानों पर काम नहीं करेंगे। मोटोरोला ने सोचा कि उनके पास सही समाधान है, एक सैटेलाइट फोन जो कहीं भी काम करेगा। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने इरिडियम नामक एक उपग्रह फोन विकसित करना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे जैसे वे इसे विकसित कर रहे थे, सामान्य सेल फोन की गुणवत्ता बढ़ती गई और उनकी लागत कम हो गई। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि सेल फोन की गुणवत्ता इरिडियम से कहीं अधिक होगी। तो मोटोरोला ने क्या किया? उन्होंने अपना गुलाब के रंग का चश्मा पहना और आलोचनाओं को नजरअंदाज कर दिया। जब इरिडियम अंततः बाहर आया तो यह प्रतियोगिता की तुलना में प्राइसियर और गुणवत्ता में कम था, और आश्चर्य की बात नहीं, यह विफल रहा। कुल मिलाकर इस परियोजना की लागत मोटोरोला 2 बिलियन थी, जिनमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। जब उनके पास मौका था तो उन्होंने इसे रोक दिया था। हालांकि आलोचना को नजरअंदाज करना सिर्फ एक तरीका है जिससे कंपनियां बुरी खबरों से निपटने में विफल रहती हैं। फर्म भी अपनी विफलताओं को दूसरों पर दोष देना चाहते हैं। किसी भी कंपनी के लिए बुरी खबरों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका रचनात्मक व्यावहारिक तरीके से इसका उपयोग करना है। फिर भी कई कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। वे केवल बाहरी कारकों पर अपनी स्थिति को दोष देना पसंद करते हैं और गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। पांचवां, तबाही का सामना करते हुए कंपनियां जोखिम भरे व्यापक बदलाव करती हैं या बस हार मान लेती हैं। यदि आप कभी डूबती नाव पर गए हैं तो आप जानते हैं कि संकट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया घबराहट है। यह प्रतिक्रिया भी है कि अधिकांश व्यापारिक नेताओं के पास गिरावट आने पर प्रतिक्रिया होती है, जो बदले में उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो केवल संकट को गहरा करती है। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया चांदी की गोली या एक व्यापक समाधान की खोज करना है, जो सभी समस्याओं का समाधान करेगा। कई फर्मों को लगता है कि सबसे अच्छा समाधान कुछ ऐसा करना है जो वे हमेशा चीजों को करते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक नई अप्रमाणित तकनीक को लागू करने या व्यवसाय की संस्कृति को बदलने या यहां तक कि पूरी तरह से एक नए बाजार की तलाश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये व्यापक परिवर्तन कभी कभी एक अल्पकालिक बढ़ावा प्रदान करते हैं, वे शायद ही कभी गिरावट को उलटने में सक्षम होते हैं। चांदी की गोली के उपयोग और विफलता का एक बड़ा उदाहरण 1990 के दशक में हेवलेट पैकर्ड या एचपी के कार्यों से देखा जा सकता है। कम वृद्धि का सामना करते हुए एचपी ने अपनी व्यावसायिक संस्कृति में व्यापक बदलाव किए। सबसे पहले इसने अपने पुराने बल्कि अनुमानित सीईओ से छुटकारा पा लिया और उसे कार्ली फियोरिना के साथ बदल दिया, जो एक आकर्षक मीडिया प्रेमी व्यक्ति था, जिसने विज्ञापनों की एक श्रृंखला फेंक दी और मीडिया दिखावे ने कंपनी की छवि को पूरी तरह से अपडेट करने की मांग की। उसने सोचा कि एक और आधुनिक दिखने वाली कंपनी बेहतर करेगी, लेकिन यह काम नहीं किया। बहुत अधिक परिवर्तन वास्तव में कंपनी को ड्राइव और फोकस खोने का कारण बना। एचपी की प्रगति लड़खड़ाती रही और कुछ वर्षों के भीतर फियोरेनो को निकाल दिया गया। लेकिन चांदी की गोली की तुलना में गिरावट के लिए अधिक कठोर समाधान है। एक कंपनी बस हार मान सकती है। एक बार गर्वित कंपनी स्कॉट पेपर के साथ यही हुआ। सड़ांध को रोकने के लिए व्यर्थ प्रयास करने के बाद उन्होंने हार मान ली। कंपनी के घाटे में कटौती करने के लिए एक नया सीईओ लाया गया, जिसकी लागत 11,000 नौकरियों की थी, और जो कुछ बचा था वह उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी को बेच दिया गया था। चूंकि गिरावट हमेशा आत्म प्रवृत्त होती है, इसलिए अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने पर काम करना महत्वपूर्ण है। अब तक हमने देखा है कि नेता अपने व्यवसाय को खतरे में डालने के लिए क्या गलत करते हैं। अब हम देखेंगे कि नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा कभी ना हो। हम सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक से शुरू करेंगे, सही दृष्टिकोण रखना। सही रवैया यह स्वीकार करने से शुरू होता है कि आप उतने शानदार नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। इतने सारे सफल नेताओं को लगता है कि उनकी उपलब्धियां विशुद्ध रूप से उनके लिए नीचे हैं। एक मानसिकता जो उन्हें अभिमानी और एकल दिमाग बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके बजाय नेताओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि सफलता भाग्य के कारण कम से कम भाग में है। यदि उन्हें भाग्य की भूमिका का एहसास होता है तो यह उनके अभिमानी व्यवहार को गुस्सा दिला देगा।
अगला कदम नेताओं के लिए यह स्वीकार करना है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ और होता है। नेता आम तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं, लोगों को जानना जो सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, और सीखने वाले लोग जो कभी पूछना बंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और यह मुझे क्या सिखा सकता है। सबसे सफल नेता लोगों को सीख रहे हैं। ऐसे नेता का एक उदाहरण वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन थे। एक अवसर पर ब्राजील के कुछ उद्यमी उनके पास यह पूछने के लिए आए कि व्यवसाय कैसे करें। हालांकि उनकी भूमिका जल्द ही उलट गई और वह उनसे सीखना चाहते थे। अंत में एक नेता को कभी भी अहंकार के चपेट पू में नहीं आने देना चाहिए और इसके बजाय याद रखना चाहिए कि वे कहां से आए हैं। केवल जब नेता इसे याद करते हैं तो वे अपनी कंपनियों को ओवररीच करने से रोक सकते हैं। बस सर्किट सिटी के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को याद करें। नए एरेनास में प्रवेश करने और इन्वेंशंस पर शोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक आप अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां से आपकी सफलता आई है। यदि आप खुद को गिरता हुआ पाते हैं तो बड़े पैमाने पर जोखिम लेने के बजाय शांत और अनुशासित रहें। जोखिम लेना कुछ ऐसा है जो सभी व्यापारिक नेताओं को अपने करियर में विचार करना होगा, खासकर जब उनका व्यवसाय संघर्ष कर रहा हो। जोखिम भरी रणनीति अपनाने में कुछ भी गलत नहीं है, जब तक आपको याद है कि यह विफल हो सकता है। जोखिम भरी रणनीति लेने के बारे में सोचते समय आपको खुद से पूछने की जरूरत है, अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो क्या होगा? क्या परिणाम कंपनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे या हम ठीक हो पाएंगे? यह समझने का एक अच्छा तरीका है कि कौन से जोखिम लेने लायक हैं। जल रेखा सिद्धांत पर विचार करना है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव पर हैं और हर बार जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो पतवार में एक छेद उड़ा दिया जाता है, चाहे छेद जलरेखा के ऊपर हो जहां मरम्मत की जा सकती है, या उसके नीचे जहां पानी अंदर जाएगा और डूब जाएगा। यह आपके द्वारा किए गए निर्णय पर निर्भर करता है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप केवल जोखिम उठाएं जिनके नुकसान की आप मरम्मत कर सकते हैं, कभी नहीं जो आपकी नाव को डुबो देंगे। तो अब आप जानते हैं कि आपको खतरनाक जोखिम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि कौन से जोखिम सबसे खतरनाक हैं? अंगूठे का सामान्य नियम यह है कि आप चीजों को कैसे करते हैं इसमें कभी भी व्यापक परिवर्तन न करें। अपनी व्यावसायिक रणनीति में बड़े पैमाने पर बदलाव करने से केवल अस्थिरता और फोकस की कमी होगी। एचपी याद है, इसने एक नए सीईओ को काम पर रखा जिसने अपनी संस्कृति और छवि में व्यापक बदलाव किए, लेकिन परिवर्तनों ने केवल हकलाने वाले प्रदर्शन का नेतृत्व किया क्योंकि कंपनी ने अपना व्यावसायिक अनुशासन खो दिया। बड़े बदलाव करने के बजाय आपको छोटे कदम उठाने की जरूरत है। यदि आपको जोखिम लेना है तो इसे एक छोटा प्रबंधनीय जोखिम बनाएं। यदि यह एक सफलता है तो आप इसे दूसरे के साथ बना सकते हैं। 8. सही दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ गिरी हुई कंपनियां भी ठीक हो सकती हैं। जब आप गहरी परेशानी में होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो प्राकृतिक प्रलोभन हार मान लेना और दूर चलना है। सख्त तनाव में कंपनियां अक्सर इस तरह से भी महसूस करती हैं। समर्पण देखना ही उनकी दुर्दशा का एकमात्र विकल्प है, लेकिन इस तरह से प्रतिक्रिया करने का कोई कारण नहीं है। एक फर्म चीजों को तब तक बदल सकती है जब तक कि मोटी महिला गाना शुरू नहीं कर देती। यही है, अगर वे सही तरीके से कार्य करते हैं। गिरावट को उलटने के लिए सबसे पहले बिजनेस लीडर्स को सही रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें खुद पर और उनकी कंपनी पर विश्वास करने की आवश्यकता है, भले ही हर कोई सोचता है कि वे इसके लिए किए गए हैं। विंस्टन चर्चिल किसी ऐसे व्यक्ति का एक बड़ा उदाहरण है जिसने खुद पर विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने खुद को सरकार से बाहर पाया, ब्रिटेन की खराब आर्थिक स्थिति के कारण दोषी ठहराया गया और यह सब बंद करने के लिए वह मुसीबत से पीड़ित थे। हर कोई सोचता था कि वह एक खर्च की गई ताकत थी, फिर भी चर्चिल ने कभी हार नहीं मानी और अगले दशक की शुरुआत में वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री और एक युद्ध नेता थे। बाकी जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है।
असफलता से वापस उछलना न केवल सही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है बल्कि बहुत मेहनत भी करता है। फोटोकॉपी कंपनी जेरोक्स ने ऐसा ही किया जब उन्हें एहसास हुआ कि परेशानी कितनी गहरी थी कि वे इंतजार कर रहे थे। उनके स्टॉक मूल्य में 2 साल से भी कम समय में अविश्वसनीय 92% की गिरावट आई थी और इसलिए एन मुल्काही नए सीईओ के रूप में बोर्ड पर आए और तुरंत काम पर लग गए। 4 साल में उसने लड़ाई में एक भी सप्ताहांत नहीं लिया फर्म को फिर से लाभदायक बनाने के लिए। उसके कठोर कार्यक्रम और कारण के प्रति समर्पण ने अंततः पे किया। ऐसा लगने के केवल 5 साल बाद कि यह नीचे जा रहा था, कंपनी ने $1 बिलियन का एनुअल प्रॉफिट पोस्ट किया। पुस्तक का मुख्य निष्कर्ष यह है कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, विफलता और गिरावट का अनुभव कर सकती है। और अक्सर जब गिरावट आती है तो यह कंपनी के आतंक संचालित कार्यों से बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए नेताओं को अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं से चिपके रहना चाहिए, शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और वह करना जारी रखना चाहिए जो कंपनी सबसे अच्छा करती है।